Hey guys, this is Siddhant Bhandari and you are watching Royal Guns. So guys, आज जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एडवांटेजियस है और वो है एक फ्यूल फिल्टर फॉर रॉयल एनफील्ड. सो गाइस, इसके एडवांटेजेस के बारे में हम वीडियो के दौरान ही देखेंगे. सो लेट्स डिसअसेंबल दिस एंड सी व्हाट वी हैव गॉट इनसाइड. सो गाइस, सबसे पहले इसे ओपन करने के लिए हमें यहाँ का ये नट लूज करना है और फिर यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा. इसके ऊपर यहाँ फिल्टर लगा है, इसे आप खींच के बाहर निकाल सकते हो. तो गैस, इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर एक मैग्नेट रहता है. अब मैग्नेट का काम यही है कि ये आपके टंकी से जो भी मेटल के पार्ट्स आते हैं, छोटे छोटे जो मेटल डस्ट आता है, उसे ये वो डस्ट इस पे स्टिक हो जाता है और ये आपके कार्बोरेटर में जाने से बच सकता है. वैसे रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड फ्यूल फिल्टर है तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि अंदर रस्ट फॉर्म हो गई है. अब यही रस्ट आपके कार्बोरेटर में जाती है तो इसलिए हम यहाँ ये वाला फिल्टर यूज करेंगे जिससे आपका जो रस्ट है वो आपके कार्बोरेटर में नहीं जा पाएगा, वो इस फिल्टर में ही मैग्नेट पे स्टिक हो जाएगा. इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसके पूरे जो पार्ट्स है वो प्योरली प्लास्टिक है जिससे कोई भी मेटल रस्ट फॉर्म नहीं होगी. गाइस, अब मैंने इसे असेंबल कर दिया है. अब हम बाहर जाके देखते हैं कि इसे हमें बाइक पर कैसे इंस्टॉल करना है. तो सबसे पहले हम इसका फ्यूल फिल्टर है वो इंस्टॉल करेंगे. तो इसे आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही टाइट करना है. उसके बाद आएगा उसका फ्यूल कैप, इसे भी हम टाइट कर देंगे. फिर इसे हम 10 नंबर का स्पैनर लेके टाइट करेंगे. तो गाइस, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस पाइप को इधर से ही खोलें और नीचे से तो बिल्कुल ना खोलें क्योंकि नीचे बहुत ही कंजस्टेड है. और दूसरी बात तो यह है कि अगर आप इसे ऊपर से खोलते हो तो आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो सपोज़ कभी ख़राब हो जाता है तो डायरेक्टली आप उस पाइप को ऊपर के कॉक पर कनेक्ट कर सकते हो. अगर हम ये फ्यूल फिल्टर देखते हैं तो हमें इसमें दो पोर्ट नज़र आते हैं, एक है इनलेट और दूसरा है आउटलेट. तो इनलेट से जो फ्यूल है वो हमारा अंदर जाएगा और आउटलेट से बाहर आएगा. तो इनलेट हम इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा फ्यूल जो है वो इधर से इनलेट में आएगा और आउटलेट जो है वो कार्बोरेटर को जाएगा. तो गाइस, मैंने यहाँ का पाइपिंग कनेक्शन कर दिया है और मैं इसे यहाँ ऐसे फिट करूँगा. तो पेंट की प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ से नीचे तक एक इंसुलेशन टेप लगाएंगे क्योंकि जब भी हमारी बाइक रनिंग करेगी तो वाइब्रेशन से हमारा पेंट जो है वो घिस सकता है. और सपोर्ट के लिए मैंने पाइप को बैटरी के वायर पे फिक्स कर दिया है ताकि रनिंग के वक्त ये ज़्यादा शेक ना करे. तो मैंने इसे यहाँ पर एक छोटी सी इंसुलेशन टेप लगा के यहाँ स्टिक कर दिया है तो अब ये फिल्टर उतना हिलता भी नहीं है. अब हमारा फ्यूल जो है वो इधर से इनलेट में आएगा और आउटलेट थ्रू कार्बोरेटर में जाएगा. अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो कार्बोरेटर के लेवल से ऊपर रहना चाहिए दोस्तों. ये इसलिए कि सपोज़ आपका फ्यूल फिल्टर जो है वो कार्बोरेटर से नीचे रहेगा तो कार्बोरेटर को फ्यूल खींचने में तकलीफ़ होगी जिससे कि आपकी बाइक जो है वो लेट स्टार्ट होगी. तो फ्रेंड्स, मैंने इसका सेटअप जो है वो कम्प्लीट कर दिया है. आइए अब हम बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. तो मैंने इसका कॉक ऑन कर दिया. गाइस, पेट्रोल फिल्टर में आने के लिए थोड़ी देर जो है वो लगा सकता है क्योंकि ये अभी न्यू है. जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फ्यूल आना स्टार्ट हो गया है. तो फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बॉर्न में भर गया है. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी लीकेज नहीं हो रही है. इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ही रिलायबल है और आप अपने बाइक पर इसे फिट कर सकते हो. मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़न पे 500 रुपीस में ख़रीदा है. अगर आपको चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा. तो ये था एक सिंपल सा फ्यूल फिल्टर का इंस्टॉलेशन. इफ यू गाइस हैव बेटर वेज टू फिट दिस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ड्राइव सेफ. जय हिंद.